Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, I'm Dar Shaukat and today we will start the next unit of political science, that's the unit number 6 entitled as International Organization in a Unipolar World. As we already discussed in the earlier lecture, that after the disintegration of USSR, the concept of unilateralism or hegemony or I can say the unipolar world has been came into existence, where the USA became the supreme power on the whole world. USA dominated the whole world. This concept is known as unipolar world. Again, I will repeat the thing: when only one country dominates the whole world, this concept is known as unipolarity or unilateralism. And yes, uh, which, uh, which was that uh, which was that country who uh, who dominated the whole world? That was the USA. Now.

International, means on the whole level. It means that in the world level, many of the countries make an organization. That organization becomes the international organization. Majority of the countries made an organization. That organization later on becomes the international organization. So the end of the Cold War and collapse of Soviet Union led to the emergence of new global order, hegemonized by USA. इट लेट टू ए डिमांड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द यूएनओ, टू मीट द न्यू चैलेंज बाय द के बाद पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई कंट्री पावरफुल बन गई थी डोमिनेट किसी वर्ल्ड को किसी ने किया था दैट वॉज द यूएसए अब इसी हजमनी को थोड़ा बहुत कम करने के लिए इसका इन्फ्लुएंस रोकने के लिए हमें दुनिया के अंदर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत थी सो इसी तरीके से एक नया वर्ल्ड दुनिया के अंदर आ जाता है एक नई नई नया स्ट्रक्चर आ जाता है वही स्ट्रक्चर जो हमारा कहलाता है दैट बिकम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक सो so 1919 के अंदर लीग ऑफ नेशन बन गया था लीग ऑफ नेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने ये क्या था लीग ऑफ नेशन ने ये कहा था कि अब वॉर से तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है नाउ द लीग ऑफ नेशन विल ट्राई टू रिजॉल्व मैटर विद द द हेल्प ऑफ विद्पोसिएशन एंड देयर विल बी नो फर्दर वॉर सो लीग ऑफ नेशन का मकसद सिर्फ एक था जंग को रोकना सो so, हम कह सकते हैं लीग ऑफ नेशन वॉज अ चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बाद सिमिलरली ये लीग ऑफ नेशन जब फेल हो जाता है अगर लीग ऑफ नेशनस सक्सीड हुआ होता उसने वादा किया था कि दुनिया के अंदर जंग नहीं होगी तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है जिसमें और ज्यादा डिस्ट्रक्शन और नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा किलिंग्स हो जाते हैं सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द चाइल्ड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो जो नया ऑर्डर हमारे पास आ, आ जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी वजूद में उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सो वी कैन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द चाइल्ड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड लीग ऑफ नेशन वॉज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें बहुत ज्यादा हॉरेबल डिस्ट्रक्शन हुआ दुनिया में किसी जगह पीस नहीं रहा बहुत ज्यादा कंट्रीज को लॉस उठाना पड़ा उसके बाद एक अटैप्ट उठाया गया एक कोशिश की गई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करे कि दुनिया के अंदर वॉर नहीं होनी चाहिए सो so, वही ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन जब वजूद में आ जाती है वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है इटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सो देर वॉज ए यूनिवर्सल डिजायर फॉर पीस पूरे दुनिया के कंट्रीज ये चाहते थे कि पूरे दुनिया के अंदर क्या हो अमन हो सो नाइनटीन फोर्टी वन के अंदर क्या होगा अमेरिका का जो प्रेजिडेंट होता है प्रेजिडेंट रूस वर्ल्ड वो इस बात को समझ लेगा कि नहीं हमें जंग को खत्म करना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए विच शुड फुलफिल द बेसिक ने मैन काइंड सो so, वो जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ वर्शिप एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी फ्रीडम फ्रॉम फियर सो द प्रेसिडेंट रूस टुक द इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट वाज द चर्चिल विंस्टन चर्चिल ये दोनों मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक चार्टर बनाने की जब ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद ये जो चार्टर बनाते हैं उस चार्टर को हम कहते हैं चार्टर ऑफ राइट्स या तो हम उसको कहते हैं एटलांटिक चार्टर इस चार्टर के अंदर इन्होंने यह बात की कि द राइट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड स्टेट अब इंडिपेंडेंट होना चाहती है सारे स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दी जाएगी और उनके राइट्स की रेस्पेक्ट की जाएगी सो so, ये जो राइट्स ऑफ चार्टर बना जा, बनाया जाता है, है साइन कर लेते हैं 28 एट नेशन ऑन फर्स्ट जनवरी 1942 उसके बाद 1943 के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए ब्रिटेन रशिया एंड चाइना थे वो मॉस्को में मिल जाते हैं और मॉस्को में एक मीटिंग करते हैं जिसको हम मॉस्को डिक्लेरेशन कहते हैं उस मॉस्को डिक्लेरेशन के अंदर वो ये डिसाइड करेंगे कि येस देयर शुड बी ए जनरल और वी कैन से द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प टू प्रमोट द दिटी एंड प्रोटेक्ट द दिटी ऑफ द ऑल द नेशंस इस मॉस्को डिक्लेरेशन के अंदर ये ये डिसाइड करते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहनी चाहिए इट मीन एवरी कंट्री शुड शुड बी फ्री फ्रॉम द थ्रेट्स सो आफ्टर द लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन जब इस पे हो जाते हैं कि दुनिया के अंदर पीस आना चाहिए उसके बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिस हो जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक उसके बाद फाइनली एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है जो सैन फ्रांसिसको के अंदर हो जाएगी वो होती है ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से लेके जून ट्वेंटी फाइव तक फोर्टी फाइव में सैन फ्रांसिस्को के अंदर के जो कॉन्फ्रेंस होती है इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियाद डाली जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम पड़ जाता है यू एन ओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट याद रखिएगा इसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं जब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आएगा यह आएगा ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर जब हो जाती है जिसमें तकरीबन 51 nations मिलेंगे और 51 nations agree करेंगे कि अब दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए अक्टूबर the, the और यहां से पूरे दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और उसका नाम पड़ जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब आ जाती है वजूद में ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को सो यू एन ओ डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को उसके बाद ये अपना एक चार्टर बनाएंगे चार्टर मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू एन ओ वेर द रूल्स एंड रेगुलेशन इज मैं सो उसके बाद इसके सारे मेम्बर्स जो आज प्रेजेंट में है ऑफिशियली वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स और ऑल वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स जो है दे आर ऑल

और साथ में जो मॉस्को की डिक्लेरेशन हो जाती है उसमें क्लियरली कहा जाता है नाउ द होल वर्ल्ड वांट्स पीस अब रियलिस्ट्स का जो वो थॉट था या लिबरलिस्ट का वो जो थॉट था जो चाहते थे कि अगर दुनिया के अंदर डेवलपमेंट पॉसिबल है वो सिर्फ एक चीज से हो सकता है दैट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ पीस नाउ द नेशन नाव द नेशन अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीस उन्होंने कहा कि हमें अब मेंटेन रखना चाहिए इंटरनेशनल पीस को इंटरनेशनल सिक्योरिटी को पूरे दुनिया के अंदर जितने सारे कंट्रीज हैं उनको आपस में कॉपरेशन रखनी चाहिए फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए हारमोनी क्रिएट करना चाहिए और साथ में सिक्योरिटी रखनी चाहिए एक दूसरे की सोरेन्टी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ में अगर कोई भी मसला कभी हो उसको बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहिए वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन इनको समझ में आ गया था कि अब वॉर से जो होगा वॉर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सो so मैंने सिंपली आपको कहा कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम नॉर्मली कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कभी कभार इसको कुछ राइटर्स जो है उन्होंने लिखा है वर्ल्ड पंचायत के नाम से भी इसे जानते हैं सो so, इस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आ जाता है और अब हम डिस्कस करते हैं कि यूएनओ के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है यूएनओ ने जो अपना चार्टर बनाया था उन्होंने उसके अंदर एक आर्टिकल रखे थे शॉर्ट आर्टिकल्स और सिंपली एक प्रियम्बल रखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन स्पीक इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ़ द वर्ल्ड कि यूनाइटेड नेशन जो होगा वो दुनिया के बदले बात करेगा यानी यूनाइटेड नेशन जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा यूनाइटेड नेशन जो होगा वो हमेशा पीस को मेंटेन की मेंटेन करने की कोशिश करेगा सो so अब हम इसमें देखते हैं कि वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यू एन ओ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यू एन ओ इज उन्होंने कहा था कि टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फॉर द ऑफ वॉर उन्होंने कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इस नुकसान से बहुत सारे कंट्रीज की वीक हो गई थी अब उन्होंने कहा था कि जो आने वाली जनरेशन होगी कम से कम हम उनको फ्री रखेंगे किस चीज से वार से वार से वॉर वॉर या डिजास्टर ऑफ क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि वॉर से क्या हो जाता है सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनओ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनओ इज टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जैसे मैंने कहा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो फ्रीडम फ्रॉम फियर एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी तो इन चीजों की इन्होंने बात की कि कहा कि जो ह्यूमन राइट्स है ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके बाद इन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया के अंदर जस्टिस को क्रिएट करे और साथ में रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस यानी इंटरनेशनल ऑप्लिगेशन मतलब अगर कोई भी लॉ बन जाता है यूएनओ की ओर से वो सब पे बाइंडिंग होता है यानी कोई उसका वायलेशन नहीं कर सकता हर एक मेंबर कंट्रीज को उसका रेस्पेक्ट करना होगा सो दैट द जस्टिस वुड मेंटेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल कि लोग जो होंगे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए कोशिश करेगा यूएनओ कि दुनिया में जितने सारे लोग रहते हैं Despite of the fact whether it is a rich or poor poor despite of the fact whether the country is a developing or developed so wo koshish karenge better standard of living ki yani logon ko achi zindagi guzar mein log achi zindagi guzare without any fear and without any war उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि to तो maintain international peace and security याद रखिएगा security term जो है security means when the country is free from the threats सो so, इन्होंने कहा था कि अब कंट्री यूएनओ बनने के बाद जो होगी यूएनओ का यह मकसद होगा कि कंट्री की सॉरेंटी की रिस्पेक्ट हो कोई कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरनल इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर uh, ना करे और इससे पूरे दुनिया के अंदर क्या रह जाएगा इंटरनेशनल पीस रह जाएगा सो so, कहने का मकसद यह है इन शॉर्ट द यू एन ओ वॉन्ट्स टू मेंटे द इंटरनेशनल पीस ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू ऑलरीन और इंडिपेंडेंट नेशन अपार्ट फ्राम दैट थिंग द यू एन ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द गुड और फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशन सो जितने सारे नेशंस होंगे वो आपस में क्या करे एक दूसरे की इज्जत करे और साथ में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन निभाए उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने सारे प्रॉब्लम होंगे जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम टेरिज्म प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम जितने सारे इंटरनेशनल लेवल पे होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स ड्यू टू नेगोशिएशंस क्या होने चाहिए सॉल्व होने चाहिए सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको कही थी कि जो मैंने आपको कही कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं किसके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर इन शॉर्ट में हम बात करें तो so, इनका मकसद ही क्या था सिंपली रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस सेक्स लैंग्वेज और रिलीजन और वी कैन से टू हार्मोनाइज द वर्ल्ड और पूरे दुनिया के अंदर क्या करना वॉर को खत्म करना आने वाले जनरेशन को वॉर से बचाना क्योंकि वॉर जो होता है वॉर से कोई भी चीज सॉलो नहीं हो जाती है इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बात करते हैं कि उनके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सवर इन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स यानी जिस जिस कंट्री ने आप यूएनओ को साइन किया ऑफिशियली 193, उनकी सेवरिंटी मेंटेन रहेगी और वो सारे नेशंस इक्वल होंगे और सारे नेशन एक दूसरे की क्या करेंगे इज्जत करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट ऑल में स्टेट आर सपोज टू फुलफिलगेशन इम्पोज इन फ्यूचर में अगर कभी भी कोई लॉ बना लेता है दैट लॉ शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर स्टेट्स एंड नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस लॉ सो ऑल द लॉ शुड बी बाइंडिंग ऑन ऑलशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द पीस नेक्स्ट पॉइंट इज दट ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट ऑट बी सैटिस्फाइड मीन एज आई टोल्ड यू दैट When, where there is a conflict between the two persons, the best solution is the integration. the best solution is the integration. the best solution is the negotiation. so the united nations made a principle that if there will be a dispute in future between any countries with the help of the negotiation and with the help of the integration, that issue or that conflict should be resolved as soon as possible. next principle of the united nations organization is to refrain from the use of force. यानी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है वॉर का इस्तेमाल नहीं करना न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करना है वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है सो तो इन चीजों से तो क्या हो जाएगा डिस्प्यूट हो जाएगा सो उन चीजों से दूर रहना है जिन चीजों से क्या हो जाए डिस्प्यूट हो जाए

एम्स विच इज मैं इन दर ऑफ दूनाइटेड नेशन ऑल में चार्टर यानी जितने सारे मेंबर स्टेट होंगे वो सब यूएनओ की मदद करेंगे किस चीज में यूएनओ चार्टर को कंप्लीट करने में उनके गोल्स को अचीव करने में And the most important thing, the most important principle of the UNO is to maintain international peace and security. Because UNO ka maksad hi tha ye banna ki poori duniya ke andar kya पीस आ जाए सो so, रियलिस्ट का वो थॉट जो था कि पीस हाँ, से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है सो so, यहां से सारी दुनिया को समझ आ जाता है कि नहीं पीस इज द ओनली सॉल्यूशन वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेवरेंटी सो एवरी नेशन वांट्स टू बी द सिक्योर सो इस केस में यूएनओ वजूद में आ जाता है और यूएनओ वजूद में आने के बाद वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने की इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की क्या करेगा koshish kare ga. so this is all about the uno how the uno came into existence what are the basic principles and what are the basic objectives of the uno inshallah in the next lecture we will discuss about the various organs of the uno thank you so much before concluding my topic i am requesting my all well-wishers do not forget to subscribe my channel the name of my channel is oshin's education origin of creative energies and neuroscience started by Shokar. thank you so much